नमस्कार दोस्तों, एक्वी स्टॉक लाइव में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो एडजस्टमेंट का जो लेयर होता है ना, ये जो फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर्स के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मैं चलता हूँ अभी सबसे पहले शटर स्टॉक पर, और यहाँ पर फ्लावर बंच टाइप करता हूँ मैं। कोई भी एक फ्लावर चाहिए मुझे, फ्लावर बंच चाहिए आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसी बंच को मैं ले लेता हूँ। URL बॉक्स पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर मैंने टॉप राइट कॉर्नर पे जा कर के इसको मैंने कर दिया प्रोसीड। क्लिक टू व्यू, आई एम ह्यूमन पर क्लिक करेंगे और विदाउट वाटरमार्क की फ़ाइल हमें मिलेगी, उस फाइल को हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर मैं वो चीज़ें आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से समझने के लिए। और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो आप इधर ही क्लोज कर सकते हैं, ये वीडियो को इधर से ही आप बंद कर सकते हैं, आगे मत बढ़िएगा। यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को टाइम देना होगा। ओके, तो मैं एक फ्लावर को मैं कट करना चाहता हूँ। जैसे ये वाला फ्लावर है, इस फ्लावर को मैं पहले लेसर टूल से जल्दी जल्दी कुछ ऐसे ही कट कर लेता हूँ। कंट्रोल जे किया मैंने और यहाँ पर लेकर के आ गया। मैं इस फ्लावर को पूरा यहाँ से ही कट करता हूँ। ओके, कंट्रोल जे किया मैंने और ये फ्लावर को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। ओके, तो अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट लेयर पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सॉलिड कलर, ये सॉलिड कलर है, तो सॉलिड कलर को हम यहाँ से, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रेक्टेंगुलर टूल लिया मैंने, रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया मैंने और यहाँ पर सॉलिड कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। सॉलिड कलर का काम ये है। ओके, ये सॉलिड कलर है आपका। यदि आप यहाँ पर नहीं, किसी जगह पर आप नहीं यूज़ करना चाहते, कोई भी लेयर का आपका सिलेक्शन नहीं है और सॉलिड कलर पर यदि आप गए हो, तो वो पूरे के पूरे एरिया में वो सॉलिड कलर, पूरी की पूरी फाइल पे वो सॉलिड कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो सॉलिड कलर का काम हमारा ये है। इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा। ओके, अब आते हैं ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट हमारा ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एक इमेज ले लिया मैंने, इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर रख रहा हूँ। पर्टिकुलर कोई भी एक इमेज ले लिया मैंने, एक लेयर ले लिया और ग्रेडियंट पे गया मैं। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट जो है वो पूरी तरीके से आपके फाइल पर अप्लाई हो रहा है। ओके, आपके फाइल पर यदि अप्लाई ना होने, ये फाइल पूरी की पूरी फाइल पर ये अप्लाई ना होने की वजह से, मतलब ना हो पाए, तो इसको क्या करेंगे हम, सिंपली कंट्रोल अल्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, ये सिलेक्शन है शायद, यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ मैं, और ये वाला जो फ्लावर है, इस फ्लावर का ये फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, अल्ट कंट्रोल प्लस जी प्रेस करता हूँ, तो वो जो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट आपका ये वाले फ्लावर पर एक्टिव हो रहा है। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे, तो ये हो गया आपका ग्रेडियंट। ठीक है, नंबर आता है पैटर्न का।
पैटर्न का आपका यहाँ से यदि आपने डिफाइन पैटर्न किया है, ओके किया है, और यहाँ पर पैटर्न पर आने के बाद आपको ये वाला पैटर्न मिल जाएगा। कोई और भी पैटर्न चाहिए तो वो पैटर्न भी आपको मिल जाएगा। ये है पैटर्न का काम। उसके बाद नंबर आता है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का। तो सपोज दैट जैसे ये वाली फाइल है, इस वाली फाइल, ये वाला जो इमेज है, इस वाली इमेज पर हम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को अप्लाई करते हैं। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को मैं यहाँ पर ये क्लिपिंग दे देता हूँ। क्लिपिंग देने के बाद ये इसका व्यू जो है, इसका जो काम है वो इस तरीके से है। ये कंट्रास्ट करता है और ये ब्राइट करता है इमेज को। इसी तरीके से आप इमेज का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, इसको मैं करता हूँ डिलीट। और उसके बाद नंबर आता है आपका लेवल का। लेवल का काम ये है, इसको मैं क्लिपिंग करता हूँ और सिर्फ इसी पर मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। लेवल का काम ये है कि एडजस्टमेंट करना। इस ये ऑब्जेक्ट, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स का काम ही, नाम जो है ना, वो नाम यही है, एडजस्टमेंट। मतलब हर एक तरीके से उसको एडजस्ट करना। ठीक है, ये लेवल को आप देख सकते हो किस तरीके से ये हमारा लेवल जो है वो काम करता है। ओके, लेवल को भी हम करते हैं डिलीट। अब आती है बारी हमारी कर्व की। यहाँ पर क्लिपिंग दे देता हूँ। कर्व भी हमारा लेवल के तरीके से ही काम करता है। ओके, ये पूरे फाइल को लेकर के जा रहा है, पूरी इमेज को लेकर के जा रहा है। यहाँ से आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से, यहाँ से आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया कर्व। कर्व को भी करता हूँ मैं डिलीट। अब आता है हमारा एक्सपोज़र। एक्सपोज़र का भी काम होता है लाइट एंड डार्क करना। यहाँ पर मैं क्लिपिंग कर देता हूँ। क्लिपिंग करना ना भूलिएगा, क्योंकि वो फ़िल्टर जो फ़िल्टर आप अप्लाई करोगे पर्टिकुलर एक ही लेयर पर आप अप्लाई कर रहे हो, इसलिए आपको क्लिपिंग करना होगा। यदि इसके नीचे आने वाले सारे लेयर्स पर अगर आपको अप्लाई करना है तो ये क्लिपिंग आप नहीं करेंगे। ओके, तो पहले तो मैं क्लिपिंग करता हूँ इसको। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये एक्सपोज जो फ़िल्टर है वो काम करता है। बेसिकली ये जो तीन के तीन, अब इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। अब यहाँ से आप देखेंगे ये जो है वाइब्रेंट, ठीक है, वाइब्रेंस का जो काम है वो कलर को एकदम भड़कीला बनाने का काम करता है। देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया। ओके, इसको भी कर देता हूँ मैं डिलीट। अब देखिए ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, लेवल, कर्व, एक्सपोज और ये वाइब्रेंस, ठीक है, इन चारों का काम जो है ना लाइट और डार्क करना है। ठीक है, किस हिसाब से लाइट डार्क करेंगे सबका अपना अपना एक अलग तरीका है सारे फिल्टर्स का। ओके, अब हम चलते हैं ह्यू सैचुरेशन, जो कि फोटोशॉप में सबसे पॉपुलर फिल्टर है। इस फिल्टर का काम होता है, इधर मैं क्लिपिंग करता हूँ, इस फिल्टर का काम होता है टोटली कलर को चेंज करना। ह्यू करेंगे हम तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स निकल करके आएंगे अपने। सैचुरेट करेंगे तो ये ज़्यादा ब्राइट होएगा इधर करेंगे तो, और इधर करेंगे तो ये डल होएगा। ओके, और ये लाइट एंड डार्क का है, लाइटनेस का है। अगर डार्कनेस पे जाएंगे तो आप डार्कनेस मिलेगा आपको, लाइटनेस पे जाना है तो लाइटनेस मिलेगा आपको। इसमें और भी फंक्शंस हैं, जैसे मास्टर है, जैसे रेड कलर है, पर्टिकुलरली एक रेड कलर के एरिए को आपको, इसको मैं कर देता हूँ एक बार अंडू। पर्टिकुलर एक रेड कलर के एरिए को आपको करना है सिलेक्ट, सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के एरिया को ही आपको कलर चेंज करना है। तो ये वाले टूल पे हम क्लिक करेंगे, पिकर टूल पे, और यहाँ पर हम करेंगे इसको सिलेक्ट, और इस तरीके से ये पूरे के पूरे रेड पे, चूँकि ये पूरा का पूरा फ्लावर रेड का ही है तो इसलिए पूरे के पूरे फ्लावर पे ही ये काम कर रहा है। बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आते हैं इस जगह पर। अभी देखिए इसमें रेड कलर क्या है, पिंक, देखो पिंक और येल्लो को मिलकर के रेड बनता है आपका, ठीक है, और उसमें ग्रीन का भी रोल होता है। तो अभी जैसे ये वाला जो कलर है इसमें रेड नहीं है, ठीक है, और ये फाइल जो है ये पूरी की पूरी अपनी फ्लैटन फाइल है। ओके, ही सैचुरेशन हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं। रेड कलर यहाँ से पिक कर लिया और ये वाले टूल को हमने कर दिया, ये वाले एरिया को हमने कर लिया सिलेक्ट। अब चूँकि यदि हम घुमाएंगे तो ये जितना भी इस फ्लावर के अंदर जितना जितना भी रेड कलर का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। ओके, ये ग्रीन कलर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, बट लेयर जितने रेड कलर का जो भी पोर्शन है जहाँ पर भी रेड इंक्लूड है
वो सब का सब कलर चेंज हो रहा है। तो फ्लैटन में भी आप इस कलर्स को चेंज कर सकते हो विदाउट लेयर को कट किए। ओके, ह्यू सेचुरेशन हो गया आपका, इसमें रेड कलर है जैसे जैसे येलो है, ग्रीन है, सियान है, ब्लू है, उस तरीके से जैसे अभी यहाँ पर ये आपका ये ग्रीन कलर है। ओके, तो ग्रीन कलर आप ले सकते हो, येलो भी ले सकते हो, ग्रीन भी ले सकते हो। मैं ग्रीन ले करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं गया, पिक किया, और ये देखो सिर्फ और सिर्फ पत्तियों का ही कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ह्यू सेचुरेशन का काम। इसको मैं फिर से, ये वाला जो बटन है ये अंडू करने के लिए है, रीसेट करने के लिए है। और मैं आपको दिखाऊं जैसे सियान कलर, तो सियान कलर देखो इस पत्ती में है, सिर्फ इधर है और इधर है। ओके, तो इधर मैं लेता हूँ पिकर टूल और इस पर मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर जो सियान कलर है सिर्फ और सिर्फ वही सियान कलर आपका चेंज होगा। ओके, अभी मैं और भी चीज़ें बाकी हैं शायद इसमें, ब्लू और मैजेंटा जिस तरीके से मैंने बताया, पिक पिक करके आप उस तरीके से कलर को चेंज कर सकते हो। ओके, अब आते हैं हम कलर बैलेंस पे। कलर बैलेंस का काम हमारा ये है कि जैसे मैं इस चीज़ पर मैं अप्लाई करूँ, ठीक है, कलर बैलेंस, तो कलर बैलेंस जो है, कलर बैलेंस जो है वो इस तरीके से है कि ये रहा हमारा कलर बैलेंस, इस पर किया क्लिप, और ये सैन की तरफ अगर मैं घुमाऊंगा तो ये सैन की तरफ जाएगा, रेड पे जाना चाहूँगा तो मैं और ज़्यादा रेड की तरफ इंक्रीज़ करूँगा, मैजेंटा मैजेंटा, ग्रीन ग्रीन की तरफ, येलो येलो की तरफ, और ब्लू ब्लू की तरफ। ओके, ये मिडनेस था आपका। इसमें भी आपको काफ़ी सारे शेडोज़ वगैरह का भी, हाईलाइट्स का भी, जैसे ये हाईलाइट, ये वाला एरिया हाईलाइट है। ओके, इस चीज़ को हाईलाइट करना है तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका कलर बैलेंस। अब आते हैं हम ब्लैक एंड वाइट पे। हम ब्लैक एंड वाइट पे आने के बाद इधर क्लिपिंग करेंगे, तो ये वाला फिल्टर सिर्फ इसे लेयर नंबर वन पर ही अप्लाई होता है, और ये हमारा हो गया ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में भी कई तरीके के ब्लैक एंड वाइट होते हैं, कुछ सैनिस होता है, कुछ मैजेंटिस होता है, कुछ येलोइश होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके का भी आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर आता है टिंट का। यदि आप टिंट करते हैं, कोई भी कलर लेते हैं, पर्टिकुलर कोई भी एक जगह पर कलर ले लेता हूँ मैं, और ये कलर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो ये इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट होकर के दिखेगा। ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट के ऊपर ये टिंट, ये वाला जो कलर है, ये कलर उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। ओके, ये सेम चीज़ आप कर सकते हैं किससे, ये देखो ये सेम चीज़ भी आप कर सकते हैं ह्यू सेचुरेशन से, यदि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए तो। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़। कलराइज पे गया मैं, कलराइज पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा कम किया, और इसको थोड़ा सा मैंने ऐसा इतना लाइटनेस दिया, और ये देखो ऑलमोस्ट ये मेरा ह्यू सेचुरेशन है, ह्यू सेचुरेशन से भी ये मेरा काम हो रहा है। ओके, बहुत माइनर सा फ़र्क है, और ज़्यादा जाने के लिए और भी फिल्टर्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो पेज को थोड़ा सा मैं एक्चुअली बड़ा कर लेता हूँ। कैनवास साइज़ को मैंने कर दिया है 50x50, और अभी यही सेम कलर मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा सॉलिड कलर के लिए फिल, ये कलर को मैं लेता हूँ, यहाँ पर पिक करता हूँ, यहाँ पर ये हो गया मेरा। ओके, तो आपका कलर बैलेंस हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब आता है फोटो फिल्टर। फोटो फिल्टर भी एक टिंट की तरीके से ही काम करता है आपका। ओके, यहाँ पर है ये फोटो फिल्टर, ये टिंट करेंगे आप तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो भी कलर्स आप यूज़ करना चाहें। ठीक है, ये वाला कलर आपको यूज़ करना है, या फिर आपको ब्लूइश यूज़ करना है, तो वो ये टिंट होकर के आपको ये दिखेगा। ये इसका वैल्यू है, जितना इंक्रीज़ करना चाहेंगे उतना इंक्रीज़ हो सकता है, जितना डिक्रीज़ करना चाहें उतना डिक्रीज़ हो सकता है। ओके, ये टिंट कलर को हम करते हैं अब डिलीट। अब आते हैं हम चैनल मिक्सर पे। ये है हमारा चैनल मिक्सर। चैनल मिक्सर में भी हमारा कलर बैलेंस के जैसा ही काम होता है, पर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये थोड़ा सा भी हम इसमें रेड रेड में अगर हम थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर रेड है चूँकि, ग्रीन पर यदि हमें काम करना है तो मान लो जैसे ये वाला कलर है, ये वाला फ्लैटन
फ्लावर है, ये वाली फाइल को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डुप्लीकेट करके, और इस पर मैं यूज़ करता हूँ, अप्लाई करता हूँ चैनल मिक्सर। ओके, अभी चैनल मिक्सर मेरे को अप्लाई करना है, इसको करता हूँ अल्ट कंट्रोल प्लस जी, और यहाँ पर ये है ग्रीन, ग्रीन का सिलेक्शन है मतलब ग्रीन ये पत्तियों में है। ओके, तो ग्रीन में हम रेड बढ़ा करके देखेंगे, ठीक है। ये ब्लू अगर हम बढ़ाएं तो ब्लू भी, क्योंकि ये सारे के सारे फिल्टर्स पर, सारे के सारे इमेजेस पर अप्लाई हो रहा है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और कभी भी फ्लैटन में तो आप काम करना भी मत, बिल्कुल भी नहीं काम करना, क्योंकि फ्लैटन में काम करना शॉर्टकट तरीका होता है, लेकिन वो ज़्यादा आपको कंट्रोलिंग नहीं देता है। लेयर पर यदि आप काम करेंगे तो लेयर प्रॉपर तरीके से आप हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा कलर लुकअप, कलर लुकअप का काम यह है शॉर्टकट तरीके से कोई भी कलर इस पर अप्लाई करना। पर इस कलर लुकअप का एक ही निगेटिव पॉइंट है, वो मैं बताऊंगा अभी। जैसे ये अभी देखिएगा, ये कलर लुकअप है, ये कलर रेडीमेड कलर इधर से आप उठा सकते हैं जो कलर आपको सही लगे। ये तीन फिल्टर्स मिलते हैं हमें, ये तीन के तीनों फिल्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका, हाँ, इसका काम ये, इसका निगेटिविटी ये है कि ये फ़िल्टर को यदि मैं सिंपली किसी दूसरा, अभी सपोज दैट जैसे ये आपका एक दूसरा विंडो है, दूसरा ये एक दूसरा डिज़ाइन है और ये एक दूसरा डिज़ाइन है, समझो। तो मैं टाइल वर्टिकली करता हूँ, ठीक है, और ये कलर लुकअप को मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट करता हूँ लेयर ज़ीरो कॉपी को, और ये वाला कलर लुकअप का जो फ़िल्टर है वो मैं लेयर ज़ीरो वन के ऊपर मैं डालना चाहता हूँ। तो ये कलर लुकअप ही नहीं जाएगा फोटोशॉप CS6 में। ओके, फोटोशॉप 19 में ये अवेलेबिलिटी है, बट फोटोशॉप CS6 में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही इतना कलर लुकअप की निगेटिविटी है। ओके, अब बारी आती है हमारी इन्वर्ट की। इन्वर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इन्वर्ट करते हैं, कलर का जो जो भी कलर है वो कलर जो है वो इन्वर्ट हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे इसका शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल प्लस आई है, इन्वर्ट का शॉर्टकट कीबोर्ड से, जो कि डायरेक्ट उसी लेयर पर अप्लाई हो जाता है। ह्यू का है कंट्रोल प्लस यू, डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो, पर डायरेक्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। फिल्टर को यूज़ करो यहाँ से, उसके बाद उसे करो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बाद में आप उसे चेंज भी कर पाएँ। उसके बाद हमारा आता है पोस्टराइज। पोस्टराइज हमारा सेम इसी लेयर पर हम करके दिखाते हैं आपको, ये कुछ इस तरीके से पोस्टराइज का काम है। थोड़ा सा ज़ीरो लेवल पर जाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये 100 करेंगे तो कुछ ऐसा 200 के ऊपर, बट यहाँ ये इसका ज़्यादा यूज़ तो मैं नहीं करता हूँ एक्चुअली, इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। इसको करता हूँ मैं डिलीट। अब नंबर आता है थ्रेडशोल्ड का। थ्रेडशोल्ड का बात ये है कि पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को मैं करता हूँ पहले तो अल्ट कंट्रोल जी, इसको मैं पोस्टराइज को, मैं थ्रेडशोल्ड को कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर इसको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज़ करता हूँ। ये इतना हमारा पर्टिकुलर एरिया जो है ये इसे, इसने दे दिया, और मैजिक बॉन्ड से जा करके इसको मैं सिलेक्शन ले करके इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, ये है, ये पोस्टराइज लेयर का काम है कुछ इस तरीके से। जैसे ये पर्टिकुलर ये वाला एरिया है, इस एरिया को मुझे करना है डिलीट, तो यहाँ पर लेयर पर जा करके मैं इसको डिलीट कर दूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। ये मैं बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। देखिए ये यहाँ से ये इतना रिमूव हो चुका है, पर देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो आप लेसर टूल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से इसको कट करने के लिए। अब बारी आती है ग्रेडियंट मैप की। ग्रेडियंट मैप भी एज ए ग्रेडियंट के तरीके से है, ये वाले ग्रेडियंट के तरीके से। ओके, इसको मैं कंट्रोल अल्ट प्लस जी करता हूँ
और यहाँ पर मैं कोई और फाइल का कोई और कलर चूज़ करता हूँ, और ये देखिए ये है ग्रेडियंट का काम। इसका कलर मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ तो ये ऐसे दिखेगा। बेस कलर को मैं चेंज करके मैं करता हूँ रेड, तो ये हो गया, ये कुछ ऐसे इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब आता है हमारा सबसे अच्छी चीज़, सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर आपने सीख लिया प्रॉपर तरीके से तो कलर करने में आप बादशाह बन जाएंगे फोटोशॉप के अंदर। सिलेक्टिव कलर को सीखने के लिए मैं इसी फाइल का सहारा लूँगा, इसी इमेज का। इसको मैं करता हूँ क्लिपिंग। मान लो रेड एरिया में अपने को येलो इंक्रीज़ करने का है, रेड यहाँ से सेलेक्ट किया और येलो हमने यहाँ से इंक्रीज़ किया। आप देख पा रहे हैं पहले ऐसे था, पिंकिश था, अभी ये रेडिश और येलोइश में बदल गया। देख रहे हैं ये देखिए, आई इसका क्लोज़ करता हूँ, आई इसका ओपन करता हूँ, तो ये ऑरेंजिश में जा रहा है और ये पिंकिश में जा रहा है। ओके, और मुझे इसको करना है, सपोज़ करो कि मेरे को ये वाले कलर में मेरे को कोई और कलर फिल करना है, तो मैं लूँगा येल्लो। और चूंकि इसमें मुझे थोड़ा सा येल्लो दिखाई दे रहा है इसलिए मैं लूँगा येल्लो, और मैं मैजेंटा इसके अंदर करूँगा इंक्रीज़। ठीक है, यहाँ पर एब्सोल्यूट पे और रिलेटिव पे भी इन दोनों का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एब्सोल्यूट पे रहेगा तो इतना ज़्यादा ये इंक्रीज़ होएगा, और रिलेटिव पे रहेगा तो उससे रिलेटेड कलर्स पे ही ये अप्लाई होएगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको जैसे ब्लू में कुछ चेंजेस करना है तो आप जाएंगे सिलेक्टिव कलर पे, और यहाँ पर आप चूज़ करेंगे ब्लू एब्सोल्यूट पे, और यहाँ पर देंगे आप क्लिपिंग। यहाँ से ब्लू को मेरे को करना है माइनस। ये देखो मैं ब्लू पे माइनस करते जा रहा हूँ तो मैजेंटा दिख रहा है, मैजेंटा को मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर ग्रे स्टोन दिख रहा है। अभी मान लो मेरे को यहाँ पर येलो इंक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ पर जा कर के येल्लो इंक्रीज़ करूँगा, और कुछ इस तरीके से मुझे ये पोर्शन दिख रहा है। तो ये होता है आपका सिलेक्टिव कलर का काम। इसी के साथ ये फिल्टर वाला काम हो जाता है फिनिश। वीडियो अंत तक यदि आपने देखा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।